एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। हाय। फरीद की तरफ से कुछ भी नहीं आया। पता है मुझे, ये तूफान से पहले का सुकून है। मिसेज इकबाल, खुश आमदीद, आइए। ये फरीद सर के वकील हैं। यहाँ मैं फरीद सर से मुतालिक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने आई हूँ। फरीद सर यहाँ के 50% के शेयर होल्डर होने के नाते ये रेस्टोरेंट बंद करना चाहते हैं। बंद करना मतलब इस एक्टिविटी को बंद करना होगा, और इस सब की डिटेल वकील साहब आपको बता देंगे। मिसेज इकबाल, आप मुझे थोड़ा समझाइए तो। ये होटल आप बंद नहीं कर सकती, वो इतने बड़े भी नहीं हुए। फरीद साहब, ये होटल नहीं बंद करवा सकते। हमने इसमें अपनी सेविंग लगाई है, हमारी उम्मीदें टिकी हैं, हमने बैंक से कर्जा ले लिया है। लोन की रकम अदा करने के लिए प्लीज परेशान मत होना नाजली। मिस्टर फरीद तुम्हारे 50% शेयर खरीद कर सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार है, और जो काम करने वाले हैं उनको भी 1 महीने की तनख्वाह देंगे, परेशान मत हो। एक मिनट, बात सुने, लेकिन हमें इस पर एतराज है। ठीक है, आप एतराज कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। ये पहले बंद करके फिर से खोली गई एक जगह है। हमारे वकील भी कह रहे हैं कि इसको आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। केस लंबा चल सकता है, और इस तरह आप लोगों का पे करने का दिन भी करीब आ जाएगा। आप मनामी और नाजली मैम को जरूरी वजाहत कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। ये मेरा ख्वाब था। क्या आप नोटिफिकेशन का जायजा लेना चाहेंगी? चलो अंदर चलते हैं। Oh, oh, oh.